प्रेज रॉड। जय मसी की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा क्या? अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है या अन्य भाषा शैतान की ओर से? क्या अन्य भाषा स्वर्ग की कोई भाषा है? क्या अन्य भाषा शैतान नहीं समझ सकता या अन्य भाषा शैतान समझ सकता है? क्या अन्य भाषा से भूत प्रेत निकलते हैं? क्या अन्य भाषा से बीमारियां दूर हो जाती है? यह अन्य भाषा है क्या? क्या अन्य भाषा बोलना वो शैतान का काम है? क्या शैतान भी अन्य भाषा बोलता है? क्या वो भी लोगों को अन्य भाषा देता है? कब बोलनी चाहिए अन्य भाषा? क्या हम चर्च में अन्य भाषा बोल सकते हैं? यह अन्य भाषा है क्या? उसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए और 100% जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अन्य भाषा को लेकर बहुत सारी झूठी शिक्षाएं बाहर आ चुकी है। जब 50वां दिन आया तो जो 120 लोग थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे उनको बोलने की शक्ति दी वैसे वैसे वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। जब वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे तो वहाँ पर जो लोग हाजिर थे उन लोगों ने इन लोगों को अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सुना और समझा भी। तो जो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे वो भाषा लोगों ने समझी। उसके बाद ऐसा हुआ कि आज कोई अन्य भाषा बोलता है तो दूसरा समझ नहीं पाता। जब दूसरा समझ नहीं पाता तो कई पास्टर ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अन्य भाषा बोलते हो और दूसरे को समझ में नहीं आती तो समझ लो वो अन्य भाषा नहीं। और कई लोग तो यहाँ तक बोल देते कि ये शैतान की दी हुई भाषा है। तो सही में सच क्या है? क्या अन्य भाषा सभी लोगों को समझ में आती है? जिस तरह से 50वें दिन लोग बोले और लोगों को समझ में आया, क्या इसी तरह से अन्य भाषा लोगों के समझ में आ जाती है? कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होता है वो भी अन्य भाषा बोलने लग जाता है। तो क्या शैतान अन्य भाषा देता है या दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोल सकते हैं? कई लोग ऐसा समझते हैं कि अन्य भाषा वो स्वर्ग की भाषा है और उसे शत्रु शैतान नहीं समझ सकता। अगर अन्य भाषा शैतान समझ लेता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ऐसी ऐसी शिक्षाएँ और ऐसी ऐसी समझ और ऐसा कन्फ्यूज़न आज कई लोगों में अन्य भाषा को लेकर है। और भी अन्य भाषा को लेकर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। अन्य भाषा कब बोलनी चाहिए, किसको बोलनी चाहिए, क्या चर्च में बोलनी चाहिए, इन बातों को लेकर भी काफ़ी लोग जो है वो उलझे हुए हैं। आज ये सारी समझ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी और अन्य भाषा क्या है वो आप समझ जाओगे। कब बोलनी है, किसको बोलनी है, परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, शैतान समझ सकता है या नहीं समझ सकता, शैतान दे सकता है या नहीं दे सकता, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए आप वीडियो को अंत तक देखो। अन्य भाषा की बात बाइबल में सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? और आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि अन्य भाषा की भविष्यवाणी सबसे पहले बाइबल में पुराने नियम में की गई थी, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा। और हम पढ़ेंगे यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उनका 28वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 11वां वचन। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। विदेशी भाषा मतलब अन्य भाषा, तो परमेश्वर अन्य भाषा से लोगों के साथ बात करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने की थी। पहले सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और सभी लोग पूरी दुनिया में एक ही भाषा बोलते थे और ये बात हम बाइबल से पढ़ते हैं और उत्पत्ति का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक। सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा
और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक घुमट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और घुमट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी इन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अन होना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के इनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझे। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अभी देखो सारी दुनिया में एक ही भाषा थी, सभी लोग चल चल कर शिनार देश में आ गए। वहाँ पर उन्होंने बड़ा मैदान देखकर ऐसा सोचा कि चलो हम यहाँ पर ठहर जाते हैं और हमारे लिए बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं कि जिसकी चोटी आसमान को छूती हो, तो ऐसी बड़ी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं। और उन लोगों ने बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहा, और उन लोगों ने ऐसा सोचा कि ये इसलिए करें ताकि हम पृथ्वी पर बिखरे नहीं, फैले नहीं। और परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर उत्पत्ति 1:28 में उनको ये आशीष दी थी कि पृथ्वी को भर दो। तो परमेश्वर क्या चाहते थे कि इंसान से पृथ्वी पर जाए, और ये इंसान लोग क्या चाहते थे कि नहीं हमें फैलना नहीं है, हमें धरती को भरना नहीं है, हमें एक ही जगह पर बड़ी बिल्डिंग बनाकर हम साथ में रहते हैं। सभी लोगों में एक ही भाषा थी, आज तक उनकी भाषा इधर उधर नहीं हुई थी। तो परमेश्वर ने इस काम को रोकना चाहा, क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा के विरोध में ये काम हो रहा था, इसलिए परमेश्वर ने चाहा मैं इनके काम को रोकूं। तो परमेश्वर ने देखा सब एक मन के हैं, एक चित्त के, इनको रोका कैसे जाए। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर गड़बड़ी डाल दी। कैसी गड़बड़ी? सभी लोगों को अलग अलग लैंग्वेज दे दी। अभी सभी लोगों को अलग अलग लैंग्वेज दे दी, सभी लोगों के जीवन में अलग अलग भाषा आ गई, तो सभी लोग अपनी जो मूल भाषा थे वो भूल गए, और जो उनको परमेश्वर की ओर से मिली वो भाषा उनको समझ में आने लगी। अभी हो सकता है वहाँ पर कैसी गड़बड़ी हुई होगी कि कोई ईंट मंगवाता होगा और दूसरे को रेती सुनाई देता होगा, या तो कोई रेती मंगाता होगा और किसी को उसमें गाली नज़र आती होगी, वे सभी की लैंग्वेज बदल गई थी। तो आपस में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होगा, सभी लोग गड़बड़ी में फैल गए और सारे लोग अपनी अपनी भाषा वालों के साथ पूरी दुनिया में इधर उधर फैल गए। अब मैं ये कहता हूँ कि इतनी सारी भाषा यहाँ पर पहली बार आई, क्यों आई? कारण था पाप। क्या पाप की वजह से आशीष आती है? नहीं, पाप की वजह से तो श्राप आता है। तो फिर ये सारी इतनी भाषाएं आई वो आशीष है या श्राप है? इतनी सारी भाषा होना वो आशीष नहीं, श्राप है, पाप के कारण आया हुआ श्राप। आज ऐसा ही होता है, आप महाराष्ट्र चले जाओ, आपको मराठी नहीं आती तो वहाँ पर आपको हिंदी बोलना पड़ता है, तो वहाँ के लोग उन लोगों को पता चल जाता है कि आप यहीं के नहीं हो, तो वो आपके साथ जिस तरह से रहना चाहिए वैसे नहीं रहेंगे। उसी तरह से पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, जिस देश में जाना है वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप पकड़े जाओगे, पता चली जाएगा कि बाहर से आया, तो हमारे साथ व्यवहार भी उन लोगों का सही नहीं होता। तो ये अलग अलग भाषा बनना वो आशीष नहीं है, वो श्राप है, और पाप के कारण ऐसा हुआ। अब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्या स्वर्ग में भी ऐसा हुआ होगा? क्या स्वर्ग में भी बहुत सारी भाषाएँ होगी? क्या स्वर्ग में भी स्वर्गदूतों ने कोई गड़बड़ी करने का प्रयत्न किया होगा और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की लैंग्वेज बदल दी होगी? क्या ऐसा वहाँ पर हुआ होगा? क्या वहाँ पर पाप हुआ होगा? नहीं, वहाँ पर तो कोई पाप कर ही नहीं सकता, और आज तक जितनों ने किया उन लोगों को तो परमेश्वर ने नरक में डाल दिया। तो स्वर्ग में पाप नाम की चीज़ है नहीं, पाप नहीं है तो श्राप नहीं है। तो पूरे स्वर्ग में तो एक ही लैंग्वेज है, एक ही भाषा है, वहाँ पर अलग अलग भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग भाषा होना श्राप है, और स्वर्ग श्रापित जगह नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग भाषा हो, इसलिए स्वर्ग में तो एक ही भाषा है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी भाषाएँ पाप की वजह से आई, और स्वर्ग में पाप नहीं है इसलिए अलग अलग भाषा नहीं है, तो स्वर्ग में एक ही भाषा है, इस बात को याद रखना।
पूरा वीडियो समझने में ये बात काम करने वाली। इसलिए इस बात को नोट में रखना, ध्यान में रखना कि स्वर्ग में सिर्फ 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 एक ही भाषा है और वहाँ पर दूसरी कोई भाषा नहीं है। अब देखो नए नियम में अन्य भाषा कब आई, और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और वचन 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए तो सारे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, मतलब पवित्र आत्मा आए तब वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। फिर एक दूसरा वचन हम पढ़ते हैं और वो है प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 44 से 46। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य अन्य भाषा में बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा आए और पत्रस और पत्रस के साथ जो लोग थे उनको कैसे पता चला कि ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, जब उन्होंने अन्य भाषा सुनी तो समझ गए कि इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतारे गए। फिर एक वचन और पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और वचन 6, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। देखो यहाँ पर भी लिखा है, अब 3 जगह पर हमने पढ़ा पवित्र आत्मा आए और वो अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा आए और अन्य भाषा बोलने लगे। इसका मतलब अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है। अगर पवित्र आत्मा नहीं आते तो ये लोग अन्य भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आए तभी ये लोग अन्य भाषा बोलने लगे। फिर एक वचन और पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 12:8-10, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अनेक प्रकार की भाषा मतलब अन्य भाषा। तो यहाँ पर भी लिखा है कि पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, तो 9 वरदान यहाँ पर लिखे हुए, उसमें एक वरदान ये भी है कि अन्य भाषा। तो अन्य भाषा वो पवित्र आत्मा का ही वरदान है, पवित्र आत्मा का ही वरदान अन्य भाषा है। लोगों में अन्य भाषा की कैसी झूठी शिक्षा है, तो लोग ऐसा समझते हैं कि अन्य भाषा उस स्वर्ग की भाषा है, उस स्वर्ग की भाषा है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 13:1 यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जन जनाती हुई झांझ। यहाँ पर ऐसा लिखा है मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूँ, मैं स्वर्ग की भाषा मतलब स्वर्गदूतों की भाषा अलग से बताए और मनुष्य की भाषा को भी अलग से बताए। दो भाषा, एक मनुष्य की भाषा और मनुष्य के पास कितनी भाषा है, ढेर सारी। वो बेबीलोन बनाते बनाते परमेश्वर ने ढेर सारी भाषा उनको दे दी थी, तो इंसान के पास ढेर सारी भाषा है। लेकिन स्वर्ग में एक ही भाषा, क्योंकि वहाँ पर गुनाह नहीं है, वहाँ पर पाप नहीं था, तो वहाँ पर एक ही भाषा है। तो मैं अगर स्वर्गदूतों की भाषा बोलूँ और दूसरी में इंसान वाली भाषा बोलूँ, जितनी भी है उनमें से कोई भी बोलूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेम ना हो, मतलब अन्य भाषा, मनुष्य की भाषा मतलब अन्य भाषा और स्वर्गदूत की भाषा मतलब स्वर्ग की भाषा, तो ये बात समझ लो कि अन्य भाषा वो स्वर्ग की भाषा नहीं है, उसको स्वर्ग की भाषा बाइबल में नहीं कहा गया। अभी देखो अन्य भाषा, उसको अन्य भाषा क्यों कहते हैं, समझ लो आप नहाने के लिए संतूर साबुन इस्तेमाल करते हो मान लो, तो संतूर साबुन के सिवा जितने भी नहाने के साबुन हैं वो आपके लिए कौन से साबुन हैं, अन्य साबुन। आप सभी के नाम ले लेकर बताओगे, आप ये नहीं बोलोगे मैं लाइफबॉय इस्तेमाल नहीं करता, मैं नंबर 1 इस्तेमाल नहीं करता, मैं लिरिल साबुन इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा नहीं बोलोगे। आप सिर्फ इतना बोलोगे कि मैं सिर्फ
संतूर साबुन इस्तेमाल करता हूँ, अन्य साबुन नहीं। संतूर के सिवा जितने भी साबुन हैं वो आपके लिए अन्य साबुन है। उसी तरह से जो आपकी लैंग्वेज है और जितनी लैंग्वेज को आप जानते हो, जितनी भाषा आप जानते हो, एक तो आपकी मातृभाषा हो गई, वो तो आप जानते ही जानते हो, पैदा होने से आप उसको सिखाई गई और आप उसी में पले बढ़े। फिर हो सकता है आगे बढ़कर अगर आप गुजरात में रहते हो तो गुजराती आपकी भाषा है, हो सकता है इंडिया में रहते हुए हिंदी भाषा भी आप जान लेते हो सकता है ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण आप इंग्लिश भी आपने जान ली, हो सकता है दो चार स्टेट घूमने के कारण आपको पंजाबी आ गया, बंगाली आ गई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चार भाषा जानते हो, पांच भाषा, छह भाषा, उसके सिवा तो जितनी भाषा आप नहीं जानते वो सारी भाषा आपके लिए अन्य भाषा है। तो अन्य भाषा का सही मतलब ये है कि जो भाषा आप नहीं समझ सकते वो सारी आपके लिए अन्य भाषा है, और आपके लिए जो अन्य भाषा है वो समझ लो मेरे लिए ना भी हो। समझ लो मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मेरी लैंग्वेज गुजराती है, और आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो, आप मराठी हो, मुझे मराठी नहीं आती तो मेरे लिए मराठी अन्य भाषा, आपको गुजराती नहीं आती तो आपके लिए गुजराती अन्य भाषा हो गई, लेकिन गुजराती मेरे लिए अन्य भाषा नहीं, मराठी आपके लिए अन्य भाषा नहीं। तो जो भाषा आपको आती है वो आपकी है, चाहे दो हो, चार हो, चाहे दस हो, लेकिन उसके सिवा जितनी भाषा आपको नहीं आती वो सारे की सारी भाषा आपके लिए अन्य भाषा है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी भाषा इंसान बोलते हैं उसमें से जितनी भाषा आप नहीं समझ सकते वो सारे की सारी, पूरी दुनिया की लैंग्वेज जिसको आप नहीं समझ सकते वो सारे की सारी भाषाएँ आपके लिए अन्य भाषा है। अभी समझ लो कि चाइनीज़ भाषा आपको नहीं आती लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको चाइनीज़ भाषा दे दी। अभी देखो, जो भाषा कभी आपने सुनी नहीं, जो भाषा कभी आपने जानी नहीं, उसका नाम तक आपको नहीं मालूम, तो अगर आप ऐसी कोई भाषा सीखने के लिए जा रहे हो कितना टाइम लगेगा, का खागा सीखना पड़ेगा, जो भी उस भाषा में होगा वो सब सीखना पड़ेगा, वो लिखते कैसे वो देखना पड़ेगा, समझते कैसे वो सब कुछ सीखना पड़ेगा, पढ़ते कैसे, फिर बोलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि ये सीखने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती, लेकिन जब पवित्र आत्मा दे देते तब कुछ नहीं होता, आप अचानक से बोलने लग जाते हो, और अचानक से बोलने लग जाते तो अचानक कैसे आ गई। तो यही है पवित्र आत्मा का वरदान कि आप अचानक से अन्य भाषा बोलने लग जाते हो, आप बोल नहीं सकते और आप बोल सकते हो, ये यही कारण है कि वो पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है, इसलिए आप अचानक से बोलने लग गए। जब पहली बार इस धरती पर अन्य भाषा का वरदान आया था तब क्या माहौल था और उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त इज़राइल के लोग 50वें दिन का पर्व, मतलब कि पेंटिकोस्ट का पर्व वो मना रहे थे, और उस वक्त जो इज़राइली पूरी दुनिया में इधर उधर बिखरे हुए थे वो लोग भी पर्व मनाने के लिए वहाँ पर इज़राइल में आए हुए थे। तो वो सारे लोग वहाँ पर पर्व मनाने के लिए आए थे, सभी लोगों को मालूम था यीशु मसीह को मार दिए गए, और प्रभु उसके चेले किसी जगह पर वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अभी देखो, जब इंसान बिखर जाता है तो क्या होता है, अब बिखरने का मतलब कुछ अलग भी होता है। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे पास में एक पंजाबी परिवार था, तो मैं तो पैदा हुआ तभी से उनको देख रहा था, तो उनके जो दादा दादी थे वो लोग पंजाब छोड़कर गुजरात में आ चुके थे। अभी उन लोगों को गुजराती नहीं आती थी, लेकिन उनके जो बच्चे पैदा हुए, उनके जो बच्चे थे वो मेरे माता पिता की उम्र के थे, तो वो तो यहीं पर पैदा हुए, तो इतना शुद्ध गुजराती, समझ लो कि जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं वैसे बोल रहे थे। अभी उनके बच्चे जो मेरे जितने थे, तो हम लोग तो सब साथ में खेलते थे, वो बिंदास से गुजराती बोलते थे, कहीं पर पता नहीं चलता था कि जैसे ये लोग पंजाब से आए हुए यहाँ पर है। हाँ, उनका पहनावा पगड़ी से पता चलता था, लेकिन गुजराती तो इस तरह से बोलते थे जिस तरह से एक आम गुजराती आसानी से बोल सकता है, वैसे ही वो गुजराती बोल सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ की लैंग्वेज वो आपकी लैंग्वेज नहीं है, वहाँ की भाषा आपको आती नहीं, लेकिन आपके बच्चे जो पैदा हो गए ना, वो तो आसपास से सुनने वाले तो वो तुरंत कैच कर लेंगे और उनको वहाँ की भाषा आ जाएगी। फिर उनके बच्चे होंगे, वो तो समझो पैदा इसी वहीं के वही भाषा के होंगे, फिर चौथी पाँचवीं पीढ़ी तक वो तो समझ लो पूर्ण रीति से जैसे वहीं के हैं ऐसा ही नज़र आएगा। तो इसी तरह से इज़राइल के लोग जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, तो मालूम नहीं कितने सालों से बिखरे हुए थे,
तो उन लोगों की लैंग्वेज बदल चुकी थी। वो लोग समझ लो कोई गुजरात में आया होगा तो गुजराती बन गया होगा, अगर कोई मुंबई में गया होगा तो महाराष्ट्रियन बन गया होगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसे लोग उस 50वें दिन पर्व में वहाँ पर थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान इन लोगों के ऊपर उड़ेला तो सभी लोग अन्य भाषा बोलने लगे, और सभी लोग अन्य भाषा बोलने लगे तो वहाँ के लोगों ने उनको अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। और देखो बाइबल से मैं एक वचन पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 5:6। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे। तो जिन लोगों के ऊपर अन्य भाषा आई, वो लोग जो भाषा बोलते थे तो उनको अपनी भाषा में सुनाई दिया, थी उनकी ही भाषा, उनके लिए अपनी खुद की भाषा थी, लेकिन जो बोल रहे थे उनके लिए वो क्या थी, अन्य भाषा। वो लोग नहीं समझ पाते थे कि हम लोग क्या बोल रहे, वो लोग समझ पाते थे कि ये लोग अन्य भाषा में, मतलब हमारी भाषा में वो हमसे क्या बात कर रहे। तो उन लोगों ने सुना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और वचन 4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आत्मा ने उनको जैसे बोलने की शक्ति दी वैसे ही वो लोग बोलते रहे और अन्य भाषा में बातें करते रहे। क्या प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में उसके बाद में पत्रस से प्रचार किया, लेकिन क्या वो प्रचार सिर्फ पत्रस अकेले ने किया था, पत्रस अकेले ने प्रचार नहीं किया था। लेकिन हम बाइबल से इस बात को क्लियर करते हैं, और इस बात का अन्य भाषा से क्या लेना देना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसने बहुत और बातें भी गवाही दे देकर समझाया, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। देखो जिन लोगों ने पत्रस की बातें सुनी, पत्रस का प्रचार सुना, तो बोले 3,000 लोग ये बातें सुनकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो जब पत्रस से प्रचार किया तो 3,000 लोगों ने सिर्फ मन फिरा कर बपतिस्मा लिया, तो सुनने वाले ज़्यादा होंगे ना। अब समझ लो आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, ज़्यादा नहीं 3,000 लोगों को इकट्ठा कर लो, क्या आपके मुँह से इतनी पावरफुल आवाज़ निकलेगी कि 3,000 लोग सुन पाएंगे। तो यहाँ पर तो 3,000 लोगों ने सिर्फ मन फिराया, तो सुनने वाले कितने लोग हो गए, तो पत्र से किस तरह से प्रचार किया होगा। तो सही में वहाँ पर सिर्फ पत्र से प्रचार नहीं किया था, वहाँ पर और लोगों ने भी प्रचार किया था। कैसे, हम आगे भी पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और वचन 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। सिर्फ पत्रस से नहीं पूछा, और भी लोगों से पूछा कि हम लोग क्या करें। इसका मतलब जिसने जिसके पास से सुना ना, उन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सुना ना, समझ लो वहाँ पर किसी ने गुजराती में प्रचार कर दिया, और वहाँ जो लोग गुजरात से गए होंगे उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में सुना, तो उन लोगों ने उससे पूछा होगा कि भाई साहब अब हम क्या करें। तो जिन लोगों ने जिसके पास से सुना उसको वो लोग पूछने लगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनके हृदय छिद गए। और तब 3,000 लोग इनसे मिल गए। तो ये 3,000 लोगों ने सिर्फ पत्रस से नहीं सुना था, सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग लोगों से सुना था। तो यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी वो पूरी हुई थी कि परमेश्वर ने बोला था कि मैं इन लोगों के साथ अन्य भाषा में बात करूँगा। तो ये भविष्यवाणी यहाँ पर 50वें दिन पूरी हुई थी। अब कई लोगों को सवाल हो जाता है कि उस वक्त लोग अन्य भाषा बोले और वहाँ के लोगों को भाषा समझ में आई, और आज जब लोग अन्य भाषा बोलते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा से नहीं है लेकिन वो शैतान की ओर से। चलो इस बात को भी हम बाइबल से ही देखते हैं। प्रेरितों के काम 10:44-46। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और
परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। वहाँ लोगों को अलग अलग भाषा में बोलते सुना। ऐसा नहीं था कि सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे थे, सभी के पास अन्य भाषा थी, लेकिन सभी के पास अलग अलग तरह की अन्य भाषा थी। इन लोगों ने सुना, कोई समझ नहीं पाया, ना पतरस समझ पाए, ना पतरस के साथ जो थे वो समझ पाए। सिर्फ इन लोगों को इतना पता चला कि ये लोग अन्य भाषा में बोल रहे। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और वचन 6। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पर भी लिखा वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन यहाँ पर भी कोई समझ नहीं पाए। पौलुस भी समझ नहीं पाए कि ये अन्य भाषा है क्या और ये लोग अन्य भाषा में क्या बोल रहे। इतना पता चला कि पवित्र आत्मा इनको मिल गए और अन्य भाषा इनको मिल गई, लेकिन क्या बोल रहे थे वो पता नहीं चला। स्पष्ट लिखा है कि पवित्र आत्मा आए तभी ये लोग अन्य भाषा बोलने लगे। चाहे किसी को समझ में नहीं आई वो बात अलग से, लेकिन पवित्र आत्मा आए तभी अन्य भाषा आए, मतलब ये पवित्र आत्मा का वरदान है। चाहे लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन अन्य भाषा वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से है। फिर हम ये समझ गए कि वो भाषा जो हम नहीं समझ सकते वो सारी हमारे लिए अन्य भाषा है, और अन्य भाषा इसी धरती की कहीं न कहीं की किसी न किसी जगह की वो भाषा है। अब लोगों ने जो सीखा है तो सवाल उनको ये होता है कि अन्य भाषा शैतान कैसे बोल लेता है या शैतान कैसे समझ लेता है। शैतान दुनिया की सारी भाषा समझ सकता है और सारी भाषा बोल भी सकता है। और दूसरी बात, अगर अन्य भाषा स्वर्ग की भी भाषा है तो स्वर्ग क्या शैतान के लिए नया है? क्या स्वर्ग में आता जाता नहीं था वो? क्या परमेश्वर के साथ उठता बैठता नहीं था? तो क्या उसको स्वर्ग की भाषा नहीं आती होगी? उसको तो स्वर्ग की भी भाषा आती है। तो शैतान के लिए अन्य भाषा या स्वर्ग की भाषा वो उसके लिए नई नहीं है, अनजानी भी नहीं है। वो बोल भी सकता है, समझ भी सकता है और बुलवा भी सकता है किसी से। आप लोगों ने मीटिंग में लोगों को गिरते हुए देखा होगा, मछली की तरह तड़पते हुए देखा होगा, कांपते हुए देखा होगा, और पास्टर को ये बोलते हुए देखा होगा, आ गए पवित्र आत्मा, आ गए पवित्र आत्मा, ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया। आप लोगों ने ये सब कुछ देखा होगा और मुझे तो ये लगता है कि आप लोग भी उनका शिकार हुए होंगे और आपको ऐसा लगता है कि ये पवित्र आत्मा है। तो ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, वहाँ जाकर इस वीडियो को पहले देख लेना। अगर ये गिरना, ये कांपना, ये मछली की तरह तड़पना, अगर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर पवित्र आत्मा आते हैं तो पता कैसे चलता है? तो पवित्र आत्मा जब आते हैं तो अन्य भाषा मिल जाती है तो तुरंत पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा मिल गई। लेकिन और भी पवित्र आत्मा के वरदान हैं। ऐसा नहीं कि हर बार परमेश्वर पवित्र आत्मा अन्य भाषा के जरिए ही पता चलने देते। और भी वरदान है, चमत्कार करने के वरदान, उपदेश करने का वरदान, उससे भी पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा है। लेकिन ये सारे वरदान कैसे? वो तुरंत नहीं इस्तेमाल होते। समझ लो आपको बीमारी से चंगाई देने का वरदान मिल गया, तो उस वक्त कैसे आप किसी को चंगा करोगे? पहले आपके सामने कोई आएगा बीमार, आपको बोलेगा प्रार्थना करने के लिए, फिर आप उसके लिए प्रार्थना करोगे और उसको चंगाई मिलेगी, तब पता चलेगा हाँ ये वरदान तो है यार मेरे पास। तो वो पूरी बात अलग है। लेकिन अन्य भाषा कैसा है? तुरंत ही काम करने लग जाती है। इसलिए अन्य भाषा से तुरंत पता चल जाता है कि हाँ पवित्र आत्मा आ गई, और वरदानों से तुरंत पता नहीं चलता। जब वो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तो जाहिर है पवित्र आत्मा आए होंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि वो लोग अन्य भाषा बोले या नहीं बोले। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 14 से लेकर 17 वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो यहाँ पर लिखा है उन लोगों ने बपतिस्मा लिया था और उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, और इन लोगों ने प्रार्थना भी की, पवित्र आत्मा आए भी,
लेकिन नहीं लिखा कि उनको उस वक्त अन्य भाषा मिली थी या नहीं मिली थी, ऐसा नहीं लिखा। तो अन्य भाषा उसी वक्त आए वो ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है पवित्र आत्मा आए तो आपको अन्य भाषा की जगह कोई और वरदान मिल जाए। बस इतना कि अन्य भाषा आती है तो तुरंत का तुरंत हमें पता चल जाता है कि हाँ अन्य भाषा आई तो पवित्र आत्मा भी आ ही गए हैं। तो अन्य भाषा वो लोगों को सुनाने के लिए नहीं, समझाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, ये अन्य भाषा वो पवित्र आत्मा का वरदान है। लेकिन किसी को दिखाने के लिए ये अन्य भाषा का वरदान हमें नहीं दिया जाता। पर पवित्र आत्मा का कोई भी वरदान वो व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई ना कोई काम जरूर होता है। तो पवित्र आत्मा का वरदान अन्य भाषा उसका भी इस्तेमाल है, उसका भी कोई ना कोई काम तो है ही है। और कैसा काम है वो हम बाइबल से देखते हैं। और हम पढ़ते हैं पहला कुरंथी उसका 14वां अध्याय और वचन दूसरा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पर इतना स्पष्ट लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं करता, वो मनुष्य से बात ही नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो अन्य भाषा बोलने वाले किसके साथ बोलता है, वो तो परमेश्वर से बातें करता है, उसके कोई समझता ही नहीं, उसके अन्य भाषा कोई नहीं समझता, लेकिन वो आत्मा में परमेश्वर के साथ वेद की बातें बोलता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 14वां वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वह जो अन्य भाषा बोलता है उससे किसी और लोगों को कोई फायदा नहीं, सुनने वाले को कोई फायदा नहीं, लेकिन जो बोलता है उसकी उन्नति अवश्य होती है, उसका काम तो होता है, वो तो आत्मा में बढ़ता है। फिर आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 5 से लेकर 19 वचन, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करें तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर। अभी देखो पौलुस कहते अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा में बात भी करो, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी अच्छी है। क्योंकि तो अन्य भाषा बोलो लेकिन आप मंडली समझ नहीं सकती तो उनकी उन्नति कैसे होगी। तो साथ में अगर अनुवाद हो तो अच्छा है, नहीं तो अन्य भाषा से बढ़कर वो भविष्यवाणी का वरदान है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। अब पड़ोस ऐसा कहते मैं तुम्हारे पास आओ और अन्य भाषा में बोलता जाओ, आप समझने वाले नहीं, मैं क्या बोल गया आपको पता नहीं, और मेरे पास उसके साथ उपदेश ना हो, आपको उत्तेजन देने के लिए कोई बात ना हो, तो मेरे बोलने से कोई फ़ायदा, बोले मैं अन्य भाषा बोलूँगा आपको कोई फ़ायदा होगा, बोले आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कौन पहचाना जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही हम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है उसे क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाला ठहरोगे। समझ लो मैं अभी के ज़माने की तरह बात करता हूँ, हम कीबोर्ड बजाते हैं लेकिन कीबोर्ड बजाने वाला ऐसे टों 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 करता रहे तो किसी को समझ में आएगा, लेकिन जो उसको बजा पाएगा सुर में तो पता चलेगा ना। तो अलग अलग सुर है तभी अलग अलग सुर बजेगा ना, लेकिन एक कहीं पर बैठो कहीं पर बैठो कहीं पर बैठो तो कोई आवाज़ आएगी और गाना बजेगा नहीं बजेगा। तो बोले सुर अलग होने चाहिए। उसी तरह से हम जो बोलते हैं वो सामने वालों को हम समझा ना पाए तो फिर क्या फ़ायदा बोले। और आगे मैं पढ़ता हूँ वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो परंतु उनमें से कोई भी भाषा बिना अर्थ की नहीं होगी। अब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, सारी भाषाएं जितनी भी वर्ल्ड में बोली जाती है सभी का कोई ना कोई अर्थ रहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। यहाँ परदेशी जो शब्द है ना, लेकिन सही शब्द है जंगली। समझो मैं किसी के आगे गुजराती में झाड़ दूँ या हिंदी में झाड़ दूँ, पूरा एक घंटा में प्रचार कर लो, बहुत बढ़िया प्रचार करो, लेकिन जो सुनने वाला है उसको हिंदी समझ में ही नहीं आती तो उसको कोई फ़ायदा।
वो बोलेगा जंगली इंसान क्या बोलने जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। और जब मुझे ये पता चलेगा कि इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं सोचूँ ये कितना जंगली है, उन्हें कितना अच्छा प्रचार किया, इसको तो कुछ पता ही नहीं चला। तो अन्य भाषा का ऐसा है, अगर समझने वाला ना हो ना तो अन्य भाषा बोलने से, किसी के सामने बोलने से कोई फायदा नहीं। फिर आगे पढ़ते, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो ऐसा परमेश्वर कहना चाहते कि आप जो वरदान इस्तेमाल करते हो उससे कलीसिया की भी उन्नति होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अन्य भाषा से आपकी उन्नति होगी, आपकी कलीसिया की उन्नति नहीं होगी। फिर आगे पढ़ते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोल ले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मतलब अन्य भाषा के साथ अगर अनुवाद हो तो फिर अच्छी बात है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अभी मैं ही अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, मैं भी कौन सा समझ रहा हूँ, आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन वो भाषा मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, उसे क्या फ़ायदा। मुझे तो ये भी नहीं पता चला मैंने किसके लिए प्रार्थना की, क्यों प्रार्थना की, मेरे प्रार्थना का विषय क्या था, वही मुझे पता नहीं चला। और वहाँ पर कोई सुनने वाला हो तो आमीन कैसे कहेगा। और भी आगे पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा, मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी मैं गाऊँगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अभी समझ लो मैं अन्य भाषाओं में बहुत बढ़िया प्रार्थना करूँ लेकिन सुनने वाले को समझ में नहीं आता, वो आमीन बोलने वाला है तो हम एक मन इच्छित हो गए ही नहीं। तो इसलिए अन्य भाषा जो है वो कोई भी समझ नहीं पाता। फिर आगे लिखा है, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। पौलुस बोलता है कि मैं 10,000 शब्द बोलूँ अन्य भाषा में, एक भी आपको समझ में ना आए, इससे अच्छा मैं 5 भी शब्द बोलूँ लेकिन आपकी समझ में आ जाए ना, वो मेरे लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये जो 5 से लेकर 19 पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का वचन पढ़ा उसमें उसका निचोड़ ये निकलता है, अन्य भाषा आप बोलते हो, आप खुद नहीं समझ पाते, आप खुद बोलते हो, जिसके सामने बोलते हो वो नहीं समझ पाता, आप आत्मा से बोलते हो, आत्मा से भेद की बातें बोलते हो, वो भी परमेश्वर के साथ बोलते हो। तो इसका मतलब जब मेरे बोलने से कोई समझ नहीं पाता तो सबसे पहले मुझे किसी के सामने अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी बात, वो बोलने से मेरी तो उन्नति होती है तो फिर मुझे तो बोलनी चाहिए, लेकिन सामने वाले की उन्नति नहीं होती तो सामने वाले के सामने मैं क्यों बोलूँ, फिर मुझसे कब बोलनी है, अकेले में बोलनी है। तो यहाँ एक समझ आती है कि अन्य भाषा मेरे फायदे के लिए है, मेरी उन्नति के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं है, मेरी उन्नति के लिए। तो मैं जब अकेला हूँ तभी बोलूँ, अगर मैं जाहिर में बोलता हूँ तो समझ लो मैं दिखावा करता हूँ कि देखो मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, ये एक दिखावा हो जाएगा और दिखावे से कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम इकट्ठा होते जिसे हम चर्च कहते हैं, उस चर्च में अन्य भाषा मतलब क्या, उस चर्च में अन्य भाषा कब बोलनी चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए। और पहले कुरिन्थियों में लिखा है उसका 14:26-28 इसलिए है भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बात करे। यहाँ पर समझ लो चर्च इकट्ठा हुआ है, काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है और वहाँ पर कोई है जिसके पास अन्य भाषा है। अभी समझ लो यहाँ पर अन्य भाषा का मतलब क्या है, उसके पास अन्य भाषा है वो उसके लिए नहीं है, वो अन्य भाषा हमारे लिए। समझ लो कि आप सब लोग पंजाबी हो और आप पंजाब के चर्च में इकट्ठा हुए, वहाँ सभी को सिर्फ पंजाबी आती है, वहाँ पर किसी को भी समझो कन्नड़ नहीं आती, कन्नड़ लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया की है वो किसी को नहीं आती। और वहाँ पर कोई प्रचारक आया हुआ है जो कन्नड़ लैंग्वेज बोलता है तो वो कन्नड़ लैंग्वेज वो प्रचारक के लिए अन्य भाषा नहीं है, वो आपके लिए अन्य भाषा है। अभी वो जब बोलता है तो आपके लिए तो अन्य भाषा हो गई।
अभी वो जो बोलता है आप समझ में, आपको समझ में नहीं आता, वो तो बहुत बढ़िया प्रचार करता है लेकिन आप समझ ही नहीं पाते, तो चाहे घंटा बोले दो घंटा बोले आपको कोई फर्क पड़ेगा आके आपके आत्मा की उन्नति होगी? कुछ भी नहीं। तो उस वक्त क्या चाहिए हमें? एक अनुवाद करने वाला, एक ऐसा इंसान वहाँ पर जाए चाहिए जिसको कन्नड़ भी आती हो पंजाबी भी आती हो और वो कन्नड़ सुनकर आपको पंजाबी में अनुवाद कर बताए ताकि आपके आत्मा की उन्नति हो। अभी समझ लो ऐसे प्रचारक ज़्यादा है वहाँ पर, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? दो प्रचारक प्रचार करें या ज़्यादा से ज़्यादा तीन, वो भी बारी बारी। समझो तीन लोग खड़े हो गए और तीन लोग अनुवाद करने वाले खड़े हो गए, तीनों साथ में बोल रहे, किसी कौन किसकी आवाज़ सुनेगा? तो कैसे बोलना है? बारी बारी बोलना है। लेकिन ध्यान में समझना है, चर्च की बात है और वहाँ पर कोई अन्य भाषा बोलता है वो अन्य भाषा उसके लिए नहीं है, वो अन्य भाषा आपके लिए है। उसके लिए तो अपने खुद की लैंग्वेज है, वो बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पर अनुवाद करने वाला चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तीन लोग बोले, बस दो या तीन, तीन से ज़्यादा ना बोले। अभी समझ लो तीन लोग हैं, तीनों ने आधा आधा घंटा प्रचार किया, डेढ़ घंटा हो गया, तो डेढ़ घंटा अनुवाद का भी तो होगा ना, तीन घंटे तो ऐसे हो गए, क्या उससे ज़्यादा कोई सुन पाएगा? जब नहीं सुन पाएगा तो समझ लो दस दस लोग अगर प्रचार करने के लिए बैठ जाए, सभी लोग आधा आधा घंटा प्रचार करें तो पाँच घंटा तो उनका बोलने का हो गया और पाँच घंटे अनुवाद के, दस घंटे हो गए। क्या दस घंटे कोई प्रचार सुन सकता है? सब लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने चर्च में क्या बोला? दो लोग बोले अन्य भाषा या तीन लोग, और वो जो बोल रहे उनके लिए तो अन्य भाषा है ही नहीं, सुनने वाले के लिए अन्य भाषा है, वो लोग उसकी बात नहीं समझ पा रहे, इसलिए उनको कौन चाहिए? अनुवाद करने वाला। और अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने से कोई फायदा नहीं, वहाँ पर इंसान को नहीं बोलना है। तो ये है अन्य भाषा। अब मैं अन्य भाषा की 10 बातें मैं आपको बताकर ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करूँगा। उसमें सबसे पहली एक, अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा नहीं है, अन्य भाषा पृथ्वी की ही कहीं ना कहीं की भाषा है। तीसरी बात, जो भाषा आप नहीं जानते वो सारे की सारी भाषा आपके लिए अन्य भाषा है। चौथी बात, शैतान अन्य भाषा जानता है। पांचवी बात, अन्य भाषा बोलकर आप किसी की उन्नति नहीं कर सकते। छठवीं बात, अन्य भाषा बोलने वाला खुद भी उसे नहीं समझ सकता है। सातवीं बात, अन्य भाषा से सिर्फ आपकी ही उन्नति होगी। आठवीं बात, अन्य भाषा जाहिर में बोलने के लिए नहीं है। नौवीं बात, अन्य भाषा भूत भगाने के लिए नहीं है। और दसवीं बात, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का ही वरदान है। तो जितने लोग ऐसा बोलते हैं कि अन्य भाषा शैतान से, वो गलत है। शैतान समझ सकता है तो अन्य भाषा नहीं, वो भी गलत है। सारी बात आपने सुन लिए, समझ लिए, बस उसके अनुसार चलना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।